हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो यार लिटरली चलो बहुत दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। एंड ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस वीडियो के अंदर मैं गाइस आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ ना, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से गाइस रैंक पुश कर सकते हो, वो भी सीएस रैंक के अंदर गाइस, ठीक है। एंड बहुत ही आसानी से ग्रैंड मास्टर, बहुत ही आसानी से मतलब लगातार बहुत सारे पूजा कर सकते हो। अभी देखो गाइस हम लोग 8-8, 10-10 नॉन स्टॉप, मतलब कितने सारे गाइस, आप लोग बहुत सारे। मैं तो उतना खेलता नहीं हूँ, ठीक है गाइस। देखो मैंने 8 दिन से वीडियो भी नहीं, लेकिन आज वीडियो डाला है गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद से खेल रहा हूं। एंड आप लोग भाई क्या ही बताऊं गाइस, इतने सारे पूजा करोगे ना भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल का ट्रिक है गाइस, ठीक है। तो बस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अभी तक यार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई आप लोग क्या कर रहे हो यार, अपने फैमिली का मेंबर हो के भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्या करते हो यार, भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस इस वीडियो के अंदर ना मैं लिटरली आप लोगों को गाइस ऐसे बंदों से मैच मेकिंग कराऊंगा। यहां पे देखो मेरे पास मास्टर वाले बंदे हैं, आप लोग जरा मेरे बंदों को देखोगे तो इन लोगों का देखो गाइस 60-60, 70-70 स्टार है। और सामने के अपोनेंट में बंदे कैसे आएंगे, बस आप लोग ये देखना गाइस, एकदम नूबड़ो बंदों से गाइस ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, जिससे आप लोगों को खाली ओनली बोट्स से गाइस, बोट्स पता ना, ओनली नूबड़े बंदे। देखो गाइस ये देखो ब्रोंज वाले बंदों से मैच मेकिंग करवाऊंगा एंड सारे के सारे गेम बुझा करवाऊंगा गाइस, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वाला वीडियो आप सभी के लिए मैंने बनाया एंड बहुत ही मुश्किल से ये वाला ट्रिक खो जाएगा, ठीक है। एंड आप लोग इसको समझ सकते हो, सीएस रैंक का ग्लिच भी समझ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर गाइस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ट्रिक है। एंड भाई आप लोग बोर्ड्स को मार मार के बहुत ही आसानी से रैंक पुश कर सकते हो, मतलब आप लोग समझ ही सकते हो। अभी आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को क्वाट्रा किल यानी कि चारों बंदों को मार के दिखा दूंगा, ठीक है। चारों बंदों को अकेले ही मैं लपेट दूंगा, फिर तो आप लोगों को भरोसा होगा ना कि ये लोग नूबड़े बोर्ड्स ही है। भाई देखो मेरे 70-70 स्टार वाले फ्रेंड लिस्ट में बंदे हैं, ठीक है गाइस, मतलब मेरे जो साथ अभी बंदे खेल रहे हैं वो लोग 70-70 स्टार वाले हैं, लेकिन अपोनेंट में कैसे बंदे हैं गाइस देखो। तो ये वाला ट्रिक अगर आपको भी जानना है तो बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं गाइस अभी देखो इस सारे नूबड़ों को, भाई तो आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं, अभी लग जाए यार ये नाम डूबा रहा है गाइस। तो चलो यहाँ पे एक नॉक हो गया गाइस, एंड अभी आपको दिखाता हूँ मैं इसको, दूसरा भी नॉक और एक बंदा किधर है किधर, अरे यार इसको पिन नहीं हो रहा है, ये देखो रुको गाइस तीसरे को, ये देखो तीसरा भी नॉक, अभी लास्ट बंदा बचा है उसको भी अपन लोग वन टैप मार के उसका भी काम तमाम कर देंगे। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखो यार, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना भाई आपका भाई इतना नेक्स्ट लेवल का मतलब ट्रिक बताने वाला है ना, जिससे भाई आप लोगों का तो क्या ही रैंक पुश होगा, मतलब सीधा आप लोग ग्रैंड मास्टर लगा दोगे सीएस रैंक के अंदर। तो बस वीडियो को एंड तक देखो। देखो गाइस मैंने अभी क्वाट्रा किल कर दिया, ठीक है। तो वीडियो को बस पूरा ए देखो गया, बंदे का काम तमाम हो गया, देखा आप लोगों ने। तो बस वीडियो को आप लोगों एंड तक देखो, क्योंकि भाई ऐसा ट्रिक आप लोगों को कोई भी नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस पहले आप लोग देखो बहुत सारे बंदे ना, मैं आप लोगों को कैरेक्टर स्किल के बारे में बताता हूँ। देखो बहुत सारे बंदे जैसे गेम खेलते हैं तो मतलब आप भी खेलते हो, ठीक है, सब कोई खेलता है, लेकिन अभी सीएस रैंक के अंदर हो क्या रहेगा, बेस्ट कैरेक्टर स्किल लगा के कोई भी नहीं आ पा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर क्या कैरेक्टर स्किल लगाना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस अगर आप लोग गाइस जो कि रस करके खेलते हो, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा कवर चाहिए तो आप लोग क्रोनो यूज कर सकते हो गाइस, मैं तो हमेशा क्रोनो यूज करता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस एक जो कैरेक्टर गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेम के अंदर, एंड अभी तो गाइस ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब अगर आप लोग सीएस रैंक खेल रहे होगे तो आप लोग अगर खेलते होगे तो आप लोगों को पता होगा एक होमर कैरेक्टर, चलो आप लोगों को नाम नहीं पता तो मैं उसका एबिलिटी बताता हूँ। एक अचानक सुई उड़ के आके लगता है गाइस एंड सीधा आपका मूवमेंट पूरा स्लो कर देता है, याद है या कौन सा कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का नाम है गाइस होमर, आई थिंक आप लोगों को सभी को पता ही होगा, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को उसका एबिलिटी बता दिया, तो वो वाला कैरेक्टर अभी गाइस बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग बोले तो गाइस सब लोग वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड उस कैरेक्टर का फायदा भी है, मतलब बंदे गाइस मूवमेंट स्लो कर देते हैं और फिर पट से उसका काम ही तमाम कर देते हैं, ठीक है। तो वो वाला कैरेक्टर आप लोग यूज कर सकते हो गाइस एक्टिव कैरेक्टर स्किल के अंदर, ठीक है, जो कि सारे के सारे प्लेयर्स अभी यूज करते हैं। और दूसरा गाइस देखो, और एक चीज मैं जो गाइस पेट में यूज करता हूँ, देखो बहुत सारे बंदे ना पेट में दूसरे दूसरे पेट लेते हैं, मैं प्रिफर करूंगा गाइस एक जो हमारा पेट है गाइस रॉकी पेट, ठीक है। अभी रॉकी पेट आप लोगों को समझ नहीं आएगा, सीधा मैं आप लोगों को पेट का एबिलिटी बताता हूँ। तो अभी भाई इसने मार दिया मुझे यार, तो गाइस उस पेट का एबिलिटी क्या है पता है गाइस, आपका भी कोई भी जो कैरेक्टर है ना गाइस, जो भी आपका एक्टिव स्किल का कैरेक्टर है गाइस, जो भी आप लोग यूज करते हो उसका गाइस कूल डाउन टाइमिंग बढ़ा मतलब घटा देगा गाइस, ठीक है। मतलब वो 8-10 सेकंड पहले ही मतलब जल्दी से चार्ज हो जाएगा, आप लोग बोल सकते हो गाइस आराम से चार्ज। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरे क्रोनो के पास आप लोगों को जो ग्रीन ग्रीन लाइट जल रही है ना, मतलब वो तीर जैसा वैसा ही जलेगा, ठीक है। तो गाइस पेट के अंदर वो आप लोग यूज कर सकते हो। दूसरी चीज गाइस बहुत सारे बंदे अभी ना फर्स्ट राउंड के अंदर वेपन नहीं लेते, कटाना लेके आते हैं, तो आप लोग भी कटाना लेके आ सकते हो गाइस, क्योंकि कटाना से आप लोगों को पता ही एक ही बार में सीधा बंदे का काम तमाम हो जाता है, एक बार 50 का डैमेज पड़ता है, एक बार 150 का, और बंदे का सीधा ही काम तमाम हो जाता है, ठीक है।
तो आप लोग गाइस फर्स्ट राउंड में कटाना भी यूज करते हो एंड अगर कर सकते हो ठीक है। एंड अगर भाई अगर आप लोग लॉन्ग रेंज में खेलते हो जैसे आपके टीममेट गाइस शॉर्ट रेंज में G18 से फाइट लेने चले गए या फिर डबल यूएसपी से, तो आप लोग आराम से गाइस M500 से डबल गाइस हेडशॉट मार सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने फर्स्ट राउंड में ही गाइस चारों बंदों का काम तमाम कर दिया M500 से ठीक है। तो अगर आप लोगों को M500 चलाना आता है तो आप लोग आराम से M500 से भी बहुत सारे किल्स कर सकते हो ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आता है बोनफायर। देखो अगर आप लोग ड्रॉप लूट सकते हो ना गाइस, तो मैं तो आप लोगों को बोलूंगा कि ड्रॉप लूटो ठीक है। ड्रॉप लूटोगे यार अगर बोन फायर रहेगा ना, तो इससे क्या फायदा होगा, देखो एक सुपर मेडिकेट मिलेगा एंड साथ ही साथ आपके पास बोन फायर भी रहेगा। तो अगर आप लोगों को गाइस जैसे फैक्ट्री वाला राउंड आता है, क्लॉक टावर वाला राउंड आता है, अगर ऐसे राउंड आते हैं तो आप लोग आराम से हीलिंग बैटल भी तो कर सकते हो ना। अबे यार रिमोट वाला सेक्शन खुल गया लो, तो गाइस आप लोग बहुत ही आसानी से हीलिंग बैटल भी कर सकते हो ठीक है। तो ये होता है गाइस देखो बोन फायर रखने का फायदा, आप लोग आराम से ड्रॉप लूट के हीलिंग बैटल भी कर सकते हो, जिससे वो वाला राउंड आप लोग आसानी से निकाल सकते हो ठीक है। आपके अगर आपके सारे बंदे मर गए ठीक है, मान लो क्लॉक टावर के ऊपर 4 एनिमी है एंड आप अगर नीचे चले गए, तो भाई आप लोग आराम से पूजा कर सकते हो ठीक है। एंड गाइस सेम फैक्ट्री वाले राउंड में भी आप लोग वैसे ही कर सकते हो, और भी बहुत सारे राउंड्स बनते हैं गाइस ठीक है, जहां पे आप लोग अगर आपके पास 2 सुपर मेडिकेट रहा तो आप लोग आराम से गेम को भी निकाल सकते हो ठीक है। तो ये हो गया गाइस। एंड अभी एक और चीज है गाइस, देखो बहुत सारे बंदे ना मैक्सिम वगैरह यूज नहीं करते, तो मैं प्रीफर करूंगा गाइस कि मैक्सिम आप लोग यूज किया करो, क्योंकि गाइस देखो फास्ट जो बंदे रश करते हैं ना, एक बार नोटिस करो सीएस में अगर एक भी बंदा अपना डाउन होता है ना, तो सारे के सारे बंदे रश देने लगते हैं। एंड अगर आप लोग उस टाइम डैमेज होते हो, तो अगर आप लोग मैक्सिम नहीं रखोगे तो भाई तेजी से मेडिकेट नहीं खा पाओगे यार, जिसके कारण आप लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। अभी दिक्कत क्या होगा, 1.5 सेकंड कम से खाओगे तब तक बंदा आप लोगों को डैमेज दे देगा ठीक है, मतलब फिनिश भी कर सकता है ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग मैक्सिम यूज किया करो। और बात बाकी गाइस आप लोग 2 कैरेक्टर स्किल्स में कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे गाइस जो है एक कैरेक्टर है जो कि हयातो ठीक है गाइस, मैं वो हयातो यूज करता हूँ। एंड एक गाइस पता नहीं एंड्रो नाम का कोई कैरेक्टर है जो कि आई थिंक वेस्ट का कम डैमेज देता है, मैं वो यूज करता हूँ। आप लोग गाइस अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो, जो कैरेक्टर स्किल आपको अच्छा लगता है, जिससे आप लोग खेलते हो वो वाला कैरेक्टर स्किल आप लोग बहुत ही आसानी से एंड आराम से वही यूज कर सकते हो ठीक है। एंड अभी गाइस सबसे मेन चीज आता है कि ये नूबड़ी अभी कैसे लगानी है, तो सबसे पहले देखो गाइस आप लोगों को एक एमुलेटर प्लेयर बुलाना है ठीक है गाइस। आपके फ्रेंड लिस्ट में जो भी एमुलेटर प्लेयर है उसे बुला लेना है। एंड जैसे ही मैच मेकिंग स्टार्ट होगा गाइस ठीक है, जैसे ही आप लोगों का मैच मेकिंग स्टार्ट होगा वैसे ही आप लोगों को एमुलेटर प्लेयर को बोल देना गेम मिनिमाइज कर देना ठीक है। तो जैसे ही वो गेम मिनिमाइज करेगा गाइस, तो अगर सामने अच्छे बंदे आए तो बोलना उसको मैक्सिमाइज नहीं करने, मतलब बड़ा नहीं करने, तो आप लोगों का बैक हो जाएगा। फिर उसको बुलाना गाइस, देन आप लोग फिर से दूसरे गेम में ऐसे ही करना ठीक है। एंड जब नूबड़े बंदे आए गाइस ठीक है, जब आप लोगों को दिखे कि नूबड़े बंदे आ गए, तब आपके फ्रेंड को बोलना कि आ जाओ मैक्सिमाइज करके उसी गेम के अंदर, जिससे आप लोग गाइस नूबड़े बंदों को आराम से बहुत ही आसानी से मार के हर गेम बुया कर सकते हो। एंड आप लोगों ने देखा यार कि मैंने कितना सारा बुया कर लिया ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया, तो भाई क्या कर रहे हो यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।